आज की वीडियो खास उन वेजिटेरियन भाइयों के लिए जो नॉन वेज नहीं खा सकते, जिम भी जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि वेज में हाई प्रोटीन डाइट क्या ले। मेरे सब इंडियन भाइयों को पता है कि हमारे टिपिकल इंडियन डाइट में कितने कम वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स होते हैं। बचपन से चावल रोटी सब्जी खाते आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं 5 कन्वीनियंट और इजी टू प्रिपेयर प्रोटीन सोर्स के बारे में। वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे प्रोटीन मील्स आइडियाज मिल सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर दो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रोटीन सोर्स की तरफ। आ जाओ, हमारा फर्स्ट प्रोटीन फूड सोर्स है किडनी बीन्स, जिसको हम राजमा चावल भी बोलते हैं। राजमा एक बहुत ही स्वादिष्ट और एक गुड प्रोटीन सोर्स है। 100 ग्राम राजमा चावल में, बॉयल राजमा में आपको मिलेगा 8 ग्राम प्रोटीन और 22 ग्राम ऑफ कार्ब्स। राजमा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बहुत ही गुड सोर्स है, जिसमें बहुत ज्यादा गुड फाइबर्स होता है। लोगों को पता नहीं है, फाइबर्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप डेली डाइट में थोड़ा सा फाइबर्स एड करके देख सकते हो। साथ साथ फाइबर्स LDL कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सिंपल भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में फाइबर्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और बात, राजमा में बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने में भी बहुत हेल्प करता है। साथ राजमा में बहुत ज्यादा सॉल्युबल फाइबर होता है, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। तो हमारा सेकंड प्रोटीन फूड सोर्स है टोफू। टोफू एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जिसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इन अमीनो एसिड्स की बॉडी को सच में जरूरत है। 100 ग्राम टोफू में 16 या 17 ग्राम प्रोटीन होता है और 9 ग्राम फैट्स। अब तुम बोलो कि हम टोफू खाने से फैटी हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फैट्स खाने से आप फैटी नहीं होते, एक बहुत बड़े सरप्लस में खाने से और वेट ट्रेनिंग ना करने से आप फैटी होते हो। और गुड फैट्स और बैड फैट्स में भी बहुत फर्क होता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे पिज्जा बर्गर्स में बैड फैट्स होता है और गुड फैट्स मतलब कि जो अच्छी चीजों में तुम मिलते हैं। टोफू में मेनली पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 3 ज्यादा होते हैं। सरल भाषा में हम इन्हें गुड फैट्स कहते हैं। तुम कहीं जा रहे हो और कहीं लेट हो रहे हो या फिर तुम कहीं ट्रिप पे भी जा रहे हो, तो तुम इजी बढ़िया एक फ्रिज से निकाल के टोफू का पैकेट, ठीक है, तुम अपने साथ लेके जा सकते हो और इजी से खा सकते हो। मैं तो इसको सॉस के साथ खाता था, तुम जिस मर्जी के साथ खा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारा प्रोटीन फूड सोर्स और बहुत सस्ते में मिल जाता है हमें टोफू। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रोटीन सोर्स की तरफ। आ जाओ, तो थर्ड सोर्स हमारा है हाई प्रोटीन का पीनट बटर। 1 चम्मच पीनट बटर खाने से मिलेगा आपको 4 ग्राम प्रोटीन और 8 ग्राम हेल्दी फैट्स। भाइयों, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स है उन लोगों के लिए जो घर पे नहीं रहते, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, और बहुत ज़्यादा इजी टू प्रिपेयर। तुम दो ब्रेड के स्लाइस के बीच में लगा के भी पीनट बटर खा सकते हो, बहुत ही इजीली मिल जाएगा अगर तुम बाहर होते हो तो। भाइयों, पीनट बटर में ढेर सारे मोनोअनसैचुरेटेड फैट रहते हैं, मतलब वो वाले फैट जो आपको दिल को अच्छा और बढ़िया रखने में हेल्प करते हैं। पीनट बटर को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो, खासकर कि अगर आप स्टूडेंट हो तो। ये सारे फैट्स होने के साथ साथ पीनट बटर में पोटेशियम रहता है, जो कि हार्ट डिजीजेज और स्ट्रोक के चांसेस को कम करता है, तो ज़रूर इसको अपनी डाइट में ऐड करो पीनट बटर को। हमारा अगला प्रोटीन सोर्स है वे प्रोटीन, जो कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो कि तुम बहुत ईजीली बना सकते हो, और इससे ज़्यादा कन्वीनियंट कुछ भी नहीं है। पानी और वे प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा इजी यही होगा। प्रोटीन आपका डेली गोल कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और इसको बनाने में 0 टाइम लगता है। 1 स्कूप वे प्रोटीन और थोड़ा सा 250-300 ml पानी और उसमें ये बन जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स की तरफ आ जाओ। गाइस, हमारी लिस्ट का आखिरी प्रोटीन सोर्स है सोया। तो गाइस, 100 ग्राम सोया में 51 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों को लगता है सोया खाने से आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। गाइस, सोया का 100 ग्राम का पैकेट आपको 20 रुपए का मिलेगा और 20 रुपए में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। वेजिटेरियन के हिसाब से सोया मेरे लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, तो इसको जरूर अपनी डाइट में ऐड करो ही करो। गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, पीस।